तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं पिथौरागढ़ के कुमौड़ गांव में, जहां पे विश्व प्रसिद्ध हिल्स यात्रा शुरू होने जा रही है और इसकी पूर्व तैयारी यहां पे चल रही है। देखिए किस प्रकार से, आप पीछे देख सकते हैं कि यहां पे जो पात्र हैं, जिसमें से लखिया भूत है और अलग अलग बैल हैं, चीतल है, ये सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं। और यहाँ पे ये मान्यता है कि जो मुखौटे मिले थे वो नेपाल शासकों के द्वारा महर जाति के चार भाइयों को दिए गए थे। तो तब से ये हिल्स यात्रा प्रत्येक पिथौरागढ़ जनपद में मनाई जाती है। और ये इस प्रकार से जो मुख्य भूमिका में है लखिया भूत करके, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो तैयार हो रहे हैं। ये यहाँ पे आप जो फोटो देख रहे हैं वो लखिया भूत बने हुए व्यक्ति ये हैं। और अभी आप देखेंगे जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही व्यक्ति है। तो ये आप देख रहे हैं कि पेंट के माध्यम से यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी संख्या में अलग अलग बैल हैं, हलिया हैं और चीतल है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आप देख सकोगे कि छोटे छोटे बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। ये देखिए मुख्य रोल में यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अभी थोड़ा पेंट लगाकर इसको मेकअप कर दिया गया है और अभी थोड़ी देर में पूरी। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा बच्चा जो है ये हलिया किसान के रूप में आपके सामने है और बहुत ही क्यूट सा बच्चा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हाथ में डंडा लेके ये अभी बैल को हाँकेगा। और यहाँ पे बैल जो है वैसे तो जोड़ी में रहते हैं, लेकिन कुछ बैल ऐसे हैं जो सिंगल भी रहते हैं। एक तो जो बहुत मरकुला बैल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लड़ाई करने वाला, और दूसरा जो बड़ा सुस्त बैल होता है, वो अलग अलग जाते हैं। बाकी जो है बैल जोड़ियों में जाते हैं और उन्हें कंट्रोल करने के लिए हलिया भी उनके साथ रहता है। अब ये यहाँ पे जो ये मंदिर है, यहाँ पे ये बंदर बने हुए हैं और बंदर बनने के साथ साथ ये लोग अपना जो भी प्रोग्राम होता है वो कर रहे हैं। और आप चारों ओर देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग प्रकार के जो किरदार हैं वह तैयार किए जा रहे हैं। आप पीछे देखेंगे तो ये बैलों की जोड़ी यहाँ पे तैयार है। और इसके अलावा यहाँ पर एक लाठे का रोल भी है, और एक लाटा और एक लाठी का रोल भी यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेगा। और पीछे ढोल नगाड़े बज रहे हैं और यहाँ पे जो सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा कड़ी है, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए यहाँ पे जो है सुरक्षा को कड़ा किया गया है। देखिए महार करके लिखा है, तो ये महार जाति के ही लोग हैं जिनकी वीरता से प्रसन्न होकर नेपाल गणेश में देखिए यहाँ पे फूटी पिया जा रहा है, वो भी महार पहनते हैं। और ये पीछे से आए, ये देखिए पीछे से दूसरे किरदार आए हैं। ये देखिए यहाँ पे किसान के रोल में ये है, देखिए आप थोड़ा देखिए पीछे हमारे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जामुन के रूप में भी, यानी कि लंगूर के रूप में भी यहाँ पे साज सज्जा की गई है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जो है बैल के रूप में बने हुए हैं। अभी आपको इनका खेला दिखाएंगे, यानी कि हिल यात्रा, यात्रा का मतलब ही होता है कीचड़ में खेलना या सामूहिक नृत्य जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बैल होते हैं वो कीचड़ में खेलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि हरियाली के आने का प्रतीक भी है। यानी कि जैसे ये होता है कि हरियाली आने वाली है या हरियाली है हमारे चारों ओर, इस टाइप से कुछ संदेश मैसेज दिया जाता है। यहाँ पे देखिए आप जामंत जी खड़े हैं, देखिए, और ये खेल शुरू हो चुका है और अभी धीरे धीरे ये खेल जो है भयानक भी होता है, इसमें बहुत बार ये है कि चोट भी लग सकती है। देखिए ये बैलों की जोड़ी है और ये बहुत तेज तरार बैल हैं। अभी आप देखेंगे ये घूमेंगे पूरे मैदान में, ये देखिए
ये इन्हें पीछे कंट्रोल करने वाला एक व्यक्ति है। ये देखिए, ये इनकी लगाम को पकड़ के कसा है। ये दो जोड़ी बैल हैं हमारे बीच में, और पीछे ये हलिया है। ये देखिए, दोनों का आपस में संग्राम होते हुए। ये देख सकते हैं, बहुत बार चोट भी लग जाती है इसमें। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही आक्रामक मुद्रा में है, इसीलिए उन्हें कंट्रोल करने के लिए पीछे से लगाम लगाई हुई है। ऐसे हो रहा है मजर। ऐसी करते वहाँ भी है। ये देखिए, ये हमारे बीच में घोड़ा आ चुका है, घोड़े के किरदार में, जहाँ पीछे जो है शीशों ने लगाया हुआ है, और आगे से घोड़े की प्रकृति यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारे जीना जी हैं, जो कि बैल के किरदार के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे छोटे से बैल के रूप में जो है छोटे छोटे बच्चे किरदार निभाते हुए, और ये गलियों में घुस चुके हैं। ये देखिए, ये एक फैमिली है जो जा रही है खेती करने के लिए, और ये तंबाकू हुक्का पीते हुए ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों का आकलन कर रहे हैं। ये हमारे नाई आ चुके हैं, जो कि लोगों के बाल काटने का अभिनय कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पुनः वापस जाते हुए। ये देखिए, ये बाल काटने का अभिनय कर रहे हैं। ये भोला के रोल में किरदार में आ चुके हैं। ये देखिए, ये जो अकेला बैल है, ये बहुत मृदुला बैल जिसको बोलते हैं, वो है। ये हिरन के रूप में, उनके हिरन के रूप में, और उनके पीछे बैल आ रहा है। हिरन के रूप में आप देख सकते हैं, हिरन का मुखौटा पहना हुआ है। ये बैल और पीछे ग्रामीण देख सकते हैं कि बैलों को भागते हुए आ रहे हैं, और ये हमारे बाजे वाले। ये पेंट वाले हमारे, झाड़ू वाले, छोटे बैल आ चुके हैं। देखिए, डराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे हमारी बैलों की जोड़ी आ रही है। हम बैलों की जोड़ी को देख सकते हैं। बहुत सुस्त बैल है, देखिए कैसे चल रहे हैं। ये पीछे झांकी आ चुकी है, बच्चों की झांकी आ रही है, और इसे फौजी आप देख सकते हैं, फौजी के रूप में। पीछे हिरण के रूप में, फिर से हिरण के रूप में आ चुके हैं। देखिए,
फिर से हमारी झांकी आ चुकी है और आगे से हमारे फौजी हैं, फौजी के किरदार में हैं। फौजी जो आगे से होने का मतलब है सुरक्षा की दृष्टि से, जो है देखिए किस प्रकार से अपना नृत्य कर रहे हैं यहाँ पे, लोगों की सुरक्षा की भावनाओं का ध्यान रखा जा रहा है। और फिर से हिरन आपको दिखाई दे, अब लखिया भूत के आने का समय है। तो सुरक्षा चाक चौबंद अपने चरणों से टीले है और यहाँ पे सुरक्षा कर्मी बहुत ही मुस्तैद है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो महिला समिति है उसके कर्मचारी भी बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो ये लोग भी बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे से मेला संपन्न हो जाए। देखिए अभी आप देखेंगे यहाँ पे कुछ जो आवारा कुत्ते हैं वो बीच में घुस रहे थे, तो इनको जो है कॉलोनी के अंदर डाला जा रहा है, यानी कि गेट के अंदर बंद किया जा रहा है क्योंकि आगे जो है भीड़ बहुत ज़्यादा है। बाजा की जो से पूरा जो दिखा है और आप देखेंगे अभी आगे देखेंगे, देखिए भूत की शक्ल आपको दिखाई दी और अपना नृत्य करते हुए लखिया भूत एकदम क्रोधित अवस्था में पहुंच चुके हैं और उन्हें शांत करने के लिए लोग उनके ऊपर चावल और फूल चढ़ा रहे हैं। और लखिया भूत जो है बहुत ही क्रोधित अवस्था में है, उन्हें कंट्रोल करने के लिए पीछे से हमारे लोग लगे हुए हैं। देखिए किस प्रकार से उछल उछल कर नृत्य किया जा रहा है। कहा जाता है कि लखिया भूत क्रोधित होते हैं और लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जिस पर वीडियो खुश हो गए तो उस व्यक्ति पर बहुत कृपा भी बनाए रखते हैं। तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए आगे से आप देखेंगे कि चावल और चीनी भी बरसात की जा रही है, उनसे धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ती हुई है। इस गली से होते हुए अभी ये नीचे मैदान में जाएंगे और मैदान में भी उनका नृत्य होगा। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा के पूरे आवन किए हैं, फिर भी लोग जो है बच्चों को इस प्रकार का नृत्य होते देखने को मिलता है। पीछे से कंट्रोल करने वाले हैं कि उनसे लगे अब उसको बांधा हुआ है और मानव चेन बनाई है साइडों से लोगों की सुरक्षा के लिए। Thank you.
बड़ी मुश्किल से भाग कर छत चल चुका हूँ, जहाँ से हमें देखने को मिलेगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो नीचे हमें जगह देखने मिली छत पर चल रहे हैं, और छत पर चलने से फायदा ये है कि हमें आसानी से मरीज को चलना है, लखिया बाबा और दुबैल सभी का, तो वो आसानी से हम देख पा रहे हैं। अदरवाइज जगह यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, आप देख रहे होंगे कि लोग इतने ज़्यादा इकट्ठे हैं कि कहीं से भी कहीं पर नहीं है, और गड़बड़ होने की संभावना भी बनी रहती है। तो इसलिए जो है करने के आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल यात्रा का भी यही मतलब होता है कि सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। बाबा लेकर आए तो सारे देवताओं ने प्रार्थना की भगवान भोलेनाथ को, भगवान सृष्टि में अनर्थ हो जाएगा अगर जैसे प्रजापति को जीवन दान नहीं मिला, तो तब भगवान भोलेनाथ ने देवताओं की आराधना को स्वीकार किया और बताते हैं कि अपना पुष्पूर्ण उठाकर उन्होंने एक दुर्गा में ठंडा सबसे पहला सूर्य जिसका आएगा, तो वही जो है सत्य प्रजापति को जीवन दान के रूप में मिलेगा। जब हिरण पुष्कर का वो सूर्य मुझे नहीं लग रहा वो दिखने का, क्योंकि वो YouTube वाले सारे पहुंच चुके ना, भगवान भोलेनाथ के आराधना करने आए हैं, उसके दर्शन करने आए हैं, उनकी पूजा अर्चना करने आए हैं और मान व्यक्ति करने आए हैं। हर घर लोगों पाना देश प्रदेश बोले जाकर सब सुखी रहो, कुशल रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो आपकी जवानी की तैयारी हो रही है या कि पकने का तैयार है, और चारों तरफ दृष्टि में एक अलग ही छवि दिखाई दे रही है, अलग ही आनंद दिखाई देता है। लेकिन हम जनता को निवेदन करेंगे बहुत ज्यादा
Thank you.